हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और हमारा इस चैनल को आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाके फॉलो करें हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट को। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में भी क्लिक करके हमारा लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, आज हम लोग यहाँ पे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर रहे हैं तो ये एक सेकेंड, ये लॉगिन वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइज, जैसे भी आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर लोगे, फिर भी आपको ये लॉगिन और लॉग आउट का ऑप्शन दिखते ही रहेगा, तो ये हमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप, हम यहाँ पे लॉगिन एक करके ही दिखा देते हैं, तो जैसे कि VK12 या फिर टेस्ट वाला ही से हम लॉगिन कर लेते हैं, t@gmail.com, और इसका पासवर्ड 123। तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ लॉगिन पे क्लिक किए तो हम भी गाइस सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, बट हमारे पास, आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लॉग आउट वाला ये रिमूव नहीं हुआ, राइट। लॉगिन और लॉग आउट रिमूव नहीं हुआ, तो जैसे ही कोई भी यूजर आपका लॉगिन हो जाता है तो ये रिमूव हो जाना चाहिए था। ये कैसे हम सही कर पाएंगे? तो आ जाएंगे हम कस्टम नेव बार में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ नेव जो दिख रहा है इसको, इस पर हम करेंगे कुछ काम। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, इसको कंडीशनल रेंडरिंग बोलेंगे, तो कंडीशनल रेंडरिंग हम कैसे कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे और एंड करके, और उसके बाद फिर हमें एक से ज़्यादा जब भी हमें लिखना पड़ता है तो हम फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं या फिर डिव का यूज कर लेंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। इतना करने के बाद आप हमको चेक लॉगिन कर लोगे, चेक लॉगिन यहाँ पे हम ले लेंगे, और अगर चेक लॉगिन ट्रू देता है तो आपको, चेक लॉगिन अगर आपको ट्रू देता है तो आपको ये सब नहीं बल्कि उसका यूजर नेम वगैरह दिखाना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि चेक लॉगिन ट्रू देगा तो हम उसका यूजर नेम वगैरह हम दिखा देंगे, जो कि हम आएंगे यहाँ से नेम आइटम तक, इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। ये पेस्ट कर दिए तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यूजर मिल रहा होगा। चेक लॉगिन डॉट यूजर कहाँ से आ रहा था हमारा, एक बार इसको हम चेक कर लेंगे, गेट करेंट यूजर कर लेंगे, ठीक है। गेट करेंट यूजर कॉल कर लेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए आपको ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप में लिखना पड़ेगा, और डॉट नेम, राइट। तो इतना करने के बाद फिर आपको लॉग आउट, तो लॉग आउट यहाँ पे दिखना चाहिए, लॉग आउट दिखना चाहिए सक्सेसफुली। तो आपको देखिए टेस्ट कुमार और लॉग आउट दिख रहा है। और दूसरा कंडीशन ये हमारा रहेगा यहाँ पे ही, यहीं पे हमारा दूसरा कंडीशन वही रहेगा कि अगर कोई यूजर, मान लीजिए आपका लॉगिन नहीं होता है, तो सबसे पहले हम ये ले लेंगे, और इसके बाद में यहाँ एंड एंड साइन, और फिर इसके अंदर में एक ये, और फिर इसके अंदर में एक ये, जिसमें से एक फ्रेगमेंट दे देंगे, और फिर कोई भी यूजर हमारा लॉगिन नहीं होता है तो क्या दिखेगा? तो चेक लॉगिन जब भी हमारे पास फॉल्स आएगा तो हम दिखा देंगे साइन अप वगैरह वाला जो था वो। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और ये यहाँ तक कर लेंगे, ये आपका ये चीज़। तो ये सक्सेसफुली आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लॉगिन है तो ये चीज़ दिखा रहा है। अब हम लॉग आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से अभी मैंने लॉग आउट का बताया नहीं है, तो फिर हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं तो भी अभी आप टेस्ट दिखा रहे, लेकिन जैसे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा लॉग आउट ही सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ लॉग ऑन लॉग आउट है, ठीक। तो इस लॉग आउट की जगह पे हम कर लेंगे आपका ये वाला चीज़ तो आएगा नहीं बिल्कुल, तो इसके जगह पे हम कर देंगे लॉग इन, और फिर आपका इसके जगह लॉग आउट, सही है। और लॉग इन के लिए यहाँ पे ये भी सही है, तो आप सक्सेसफुल यहाँ पे लॉग इन देख पा रहे हैं, और इसको क्लिक करेंगे लॉग इन चल जाएगा, और लॉग आउट वाला, लॉग आउट के जगह यहाँ पे हम साइन अप कर देंगे, तो जब बंदा नहीं रहेगा तो साइन अप का ऑप्शन दिखाएगा, साइन SIG साइन अप, तो एक बार रिफ्रेश करने के बाद साइन अप दिखा रहा, राइट। तो ये आपका डैशबोर्ड का होना चाहिए, जब भी यूजर रहे तो डैशबोर्ड में ले जाए, यूजर डैशबोर्ड। तो इसको आप app.js से भी आके देख सकते हो, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर रखा है, तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे, यही
और फिर हम आ जाएंगे हमारा कहाँ थे कस्टम नेव बार में, और ये एचरेप में हम इस यही को पेस्ट कर देंगे। तो गाइज अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यूजर साइन अप वगैरह, साइन अप में हमको लिंक देना पड़ेगा साइन अप का, तो आ जाएंगे साइन अप का ये वाला लिंक है, तो यहाँ कस्टम नेव बार में आ जाएंगे और आपका ये साइन अप पेज में एचरेप करके दे रहे हैं लिंक, तो ये एक डिमेरिट है। एचरेप करके हमको लिंक नहीं देना चाहिए, अब क्यों नहीं देना चाहिए हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन अप पे जा रहे हैं, तो हमारा साइन अप पेज ओपन हो जा रहा है सक्सेसफुली, राइट। ये साइन अप पे कैंसल वाला हम हटा देते हैं क्योंकि बहुत ऑड लग रहा है देखने में और ये ओवरलैप कर जा रहा है, या तो फिर इसको साइज को बढ़ाना होगा, साइन अप का एट कर देना होगा। तो एट कर देने के बाद सही है, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है देखने में, देखने में 6 ही सही लग रहा था। तो कैंसल वाला बटन को हम क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे, तो ये रहा कैंसल का बटन, तो डेट सीट ये रीसेट और ये रहेगा, तब तो सही है। और मार्जिन टॉप वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपका कंटेनर CAL क्लास नेम मार्जिन टॉप 5, 5 ज़्यादा हो गया, तो ये 2 दे देंगे, हाँ दैट्स इट। अब ये सही है, अब यहाँ पे लॉगिन लॉगिन भी सही है, साइनअप भी सही, दोनों सही से सक्सेसफुली सही से काम कर रहा है और सही, दोनों सही लग रहा है देखने में, लेकिन हम जैसे लॉगिन करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। टेस्ट नहीं, टी है हमारा सिर्फ, या फिर vk12@gmail.com, हमारा 2 यूजर हम बना के रखे हैं, तो इनवैलिड यूजर नेम vk1 था शायद, हाँ। तो ये जैसे हम लॉगिन किए तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये चीज़ अभी तक नहीं आया, लेकिन जैसे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो विक्रम और लॉग आउट आ चुका है। हम विक्रम पे क्लिक करें, कहीं पे भी रहेंगे जैसे स्टोर में रहें, और हम विक्रम को क्लिक किए तो डैशबोर्ड ओपन हो गया, बट लॉग आउट वाला हम अभी काम किए नहीं है, लॉग आउट भी क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये हो क्या रहा है, हमें यहाँ पे कस्टम नेव बार में हम यहाँ पे आ गए हैं, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमारा मास्टर